दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में छोटे बच्चों और शिशुओं को दी जाने वाली एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिवल ड्रॉप डेक्सीमोर ड्रॉप्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि इस ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डेक्सीमोर ड्रॉप की अगर कीमत की बात करें तो 67 रुपये में 10 ml की एक बोतल मिल जाती है। ये ओरल सस्पेंशन आपको मेडिकल स्टोर में इजली मिल जाएगा और आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी इजली मंगवा सकते हैं, जो कुछ डिस्काउंट के साथ भी आपको मिल सकता है। और दोस्तों इस ड्रॉप को एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि काफी बढ़िया कंपनी है। साथ ही अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सेफेक्सिम 25 mg होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये ड्रॉप शिशुओं को इतनी ज्यादा रेकमेंड क्यों की जाती है, डॉक्टर इस ड्रॉप को बच्चों को ज्यादा क्यों देते हैं। तो फ्रेंड्स डेक्सीमोर ड्रॉप में सेफेक्सिम होता है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसका यूज छोटे बच्चों और शिशु में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके फायदे और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, गले से घर घर की आवाज़ आ रही है, तब इस ड्रॉप को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर टॉन्सिल की समस्या हो गई है, कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तब भी इस ड्रॉप का यूज किया जा सकता है। साथ ही बच्चे की आंखों से अगर पानी निकलता है, पानी छपछपा जाता है, तब भी इस ड्रॉप का यूज किया जा सकता है। स्किन में होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए भी, या फिर पेट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, तब भी इस ड्रॉप का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी इस दवा का यूज टाइफाइड जैसे गंभीर बुखार का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। हाँ, लेकिन ये दवा बच्चों में होने वाले नॉर्मल फ्लू के लक्षण जैसे सर्दी खांसी जैसे फ्लू वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं करती है। डॉक्टर बच्चे की बीमारी के अकॉर्डिंग इस एंटीबायोटिक दवा के साथ कोई और दूसरी दवाई भी दे सकते हैं। तो इतने सारे इसके जनरल यूजेस थे जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग इसके डोज की बात करें तो इसे बच्चे को कुछ खिलाने या फिर दूध पिलाने के लगभग आधे घंटे के बाद, अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो उसे 1 ml से लेकर 3 ml तक मेजरिंग ढक्कन की सहायता से माप कर पिलाना है, उसे दिया जा सकता है। बच्चा दवा पीने के साथ अगर उल्टी कर लेता है तो बच्चे को आप दोबारा दवा पिला सकते हैं, लेकिन आधा घंटे के बाद, और हमेशा डॉक्टर द्वारा बताया गया कोर्स जरूर पूरा करें, नहीं तो दवा का कोर्स बीच में छोड़ने से बीमारी फिर से वापस आ सकती है। अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट है मिचली का आना, बच्चे के पेट में दर्द होना, बच्चे को डायरिया होना या फिर अपच की प्रॉब्लम होना। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं, होने से अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि ये ड्रॉप बच्चे के शरीर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये दवा बच्चे के शरीर में होने वाले बैक्टीरिया के वृद्धि को रोककर काम करती है। अब हम लोग जानते हैं कि टेक्सिम और ड्रॉप को, यानी दवा को बच्चे को पीने योग्य बनाने के लिए कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स इस दवा में 1 cc की छोटी सी बोतल रहती है जिसमें ड्राई दवाई का पाउडर रहता है और साथ में आपको पानी का भी एक छोटा सा प्लास्टिक कंटेनर मिल जाता है जिसमें स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर होता है। आपको इस सूखा यानी ड्राई दवाई के पाउडर में उस वाटर को डालकर अच्छे से सेक करना है, यानी अच्छे से हिलाकर मिलाना है। उसके बाद मेजरिंग ढक्कन या फिर मेजरिंग ड्रॉपर की सहायता से डॉक्टर के द्वारा बताया गया डोज बच्चे को पिलाना है। दोस्तों और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप दवा को तैयार कर लेते हैं, दवा को बना लेते हैं, तो इस दवा को जल्दी से जल्दी बच्चे को दें। ऐसा नहीं कि आप इस दवा को रख लें, फिर 1-2 महीने के बाद अगर बच्चे को फिर से बीमारी होती है तो 1 महीने या फिर 2 महीने के बाद आप यही दवा उसको दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये दवा 15-20 दिनों में ख़राब हो जाती है और अगर ख़राब दवा आप बच्चे को देंगे तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा जो बच्चे के शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को डेक्सीमोर ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी सरल शब्दों में अच्छे से मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक पर
पर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।